हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये झटपट बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ ही हेल्दी भी है। इसको आप चाहे तो ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच के लिए भी बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट करके भी बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। तो इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप अंकुरित मूंग। दोस्तों, आपको पता ही है अंकुरित मूंग में विटामिन सी, विटामिन के और ये प्रोटीन से भी भरपूर होता है और ये आपको डाइजेशन में भी हेल्प करता है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। तो इसको हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की। चाहे तो आप हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। मिर्च को रफली इस तरह से तोड़ करके डालेंगे और अदरक को हम रफली कट करके डालेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप मूंग को पहले से स्प्राउट करके या भिगो करके रखते हैं तो ये रेसिपी आप फटाफट बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, यानी कि इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसका पेस्ट बना लेना है। और अब इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसी में हम 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं का आटा और मूंग की क्वांटिटी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ और 1/2 छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, इसको हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा या जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच इसमें हींग का पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा और नमक भी साथ में हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे तेल, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और 1 छोटा चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे, इससे इसका बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट आएगा। हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगे तभी इसमें पानी डालिएगा, मुझे तो लग रहा है इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको अच्छे से मिलाते हुए इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। डो को आप गूंदने के बाद फटाफट पराठे बना लें या चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने पसंद के साइज़ की लोई बना लेनी है और फिर इसको आटे से डस्ट करके इसको रोटी की तरह पतला बेल लेना है, या आप जिस थिकनेस में रोटी को बेलते हैं या पराठे बनाते हैं या जिस शेप में आप पराठे बनाते हैं उस शेप में उस तरह से बेल लें। मैं तो इसे राउंड शेप में ही बेल रही हूँ और ज़रूरत पड़ने पर इसमें सूखा आटा बीच बीच में छिड़क ले ताकि आटा जो है बेलन से ना चिपके। तो ये देखिए, मैंने इसे पतला और गोल बेल लिया है। अब इसको हम तवे पर सेक लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं वैसे ही आपको इसको सेकना है। तो ये देखिए, रोटी में ब्राउन स्पॉट आ गया है। अब इसमें हम ऑयल डाल करके दोनों तरफ से इसको अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। ऑयल की जगह पर आप चाहे तो बटर या घी, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। और इस पराठे को आप सर्व कर सकते हैं दही के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, या वैसे भी खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी है। बच्चों को लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं, अपने ब्रेकफास्ट के लिए इसको बना सकते हैं। ये पराठे टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही सॉफ्ट डिलीशियस पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ दही के साथ। दही के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।